हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे एक और मूवी, एक और कन्नड़ा मूवी की, जिसका रिकमेंड आप ही लोगों ने किया था, आप ही सब लोगों ने किया और बहुत बार किए। लेकिन फाइनली मैंने गली पटा मूवी देख चुका हूँ, क्योंकि इसका आने वाले कल में आपको सीक्वल भी देखने को मिलेगा, यानी कि अप्रैल, यानी कि इसी साल अप्रैल में आपको गली पटा 2 देखने को मिलेगी, जिसमें हमें फिर से एक बार गोल्डन स्टार गणेश हमें नजर आने वाले हैं और इसे डायरेक्ट वापस से योगराज भट्ट करने वाले। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी गली पटा 2 की बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम लोग गली पटा मूवी की बात कर रहे हैं। लेकिन यार, इस मूवी को देखकर मुझे बहुत निराशा हुई है। वो निराशा इसके लिए हुई क्योंकि मुझे काफी सर्च करने के बाद भी मुझे ये फिल्म हिंदी में नहीं मिली, और फिल्म मिली भी तो इसका सबटाइटल नहीं था, नहीं इंग्लिश में, तो ये मुझे कन्नड़ा लैंग्वेज में ही देखने मिली, जो कि मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन बस मुझे कन्नड़ा में अभी फिलहाल एक ही चीज समझ में आती है, वो है नमस्कारा। उसके अलावा फिलहाल कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी मैंने इस फिल्म को देखा, क्योंकि ये फिल्म इतनी स्वीट और इतनी इनोसेंट तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है कि आप फिल्म के शुरुआत के कुछ ही पल के बाद आप इस फिल्म से पूरी तरह से जुड़ जाते हो, क्योंकि इसमें आपको गोल्डन स्टार गणेश के अलावा बहुत अलग अलग स्टार्स देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट यहाँ पर दो ही है, वो तो गोल्डन स्टार गणेश और अनंत राग सर। उन दोनों का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। कहानी एक कॉमेडी रोमांटिक है, लेकिन इसमें इमोशनल जो तड़का है जो योगराज भट्ट सर की जो मूवीज में होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और म्यूजिक एक नंबर म्यूजिक है, इतना मेलोडियस म्यूजिक है मैं आपको बता नहीं सकता, और उस पर से सोनू निगम की आवाज तो 4 चांद लगा देती है इस फिल्म को। प्लस यहाँ पर इस फिल्म की जो कहानी है, देखिए कहानी मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि कहानी बताऊंगा तो आप लोगों का इंटरेस्ट है ना जो इस फिल्म से जितने खत्म हो जाएगा। स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिन लोगों ने ये फिल्म को नहीं देखा, और अगर एज कनेडियंस आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा तो मैं आप लोगों से इतना बोलूंगा कि आप वन ऑफ दी बेस्ट रोमांटिक फिल्म को मिस कर दियो, जो आपको नहीं करना चाहिए। और ये मूवी इतनी ज्यादा स्वीट और सिंपल मूवी है कि मतलब कहीं से भी आदमी बोर नहीं होता। कहानी है 3 दोस्तों की जो सिटी में रहते, लेकिन कुछ ऐसा ट्विस्ट होता है उनकी जिंदगी में कि वो अपने ही दोस्त के एक हिल स्टेशन पर आते हैं। अब वो हिल स्टेशन में आने के बाद उनकी मुलाकात होती 3 लड़कियों से। अब इन लड़कियों में से कुछ एक ट्विस्ट है जिसका मैं यहाँ रिवील नहीं करूंगा। तो फिर आगे चल के कहानी आपको क्या कुछ देखने को मिलता है और इसका एंड किस तरह से इमोशनल होता है थोड़ा बहुत, अब वो क्या कुछ होता है, देखिए मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर आप लोग क्या देखोगे। तो आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखते, और आपने अगर गली पटा मूवी देखा है तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि कमेंट में मैं सारे के सारे सवालों का जवाब देता हूँ। आपको पता है, अगर आपको कुछ पर्सनल बातें करनी है तो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, मेरा इंस्टाग्राम है, वहां पर इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाके डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर चले जाओगे, वहां पर मुझे फॉलो करो और आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, जहां पर आपको कुछ भी अपडेट हो तो मैं वहां पर आपको अपडेट दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे मेरे कमेंट पे नेगेटिव रिस्पॉन्स करेंगे, तो आप लोग मुझे अपनी पर्सनल कुछ बातें करना तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप ही लोगों में से काफी लोग इंस्टाग्राम पर आ चुके, तो आप लोग भी जरूर आइए, वहां पर मैं आप लोगों से कुछ पर्सनल जो आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चन है वहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों से इतना बोलूंगा, गली पट्टा मूवी वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक मूवीज में से एक है, जहां पर आपको बहुत सी कॉमेडी चीजें भी देखने मिलती है, कुछ इमोशनल तड़का भी देखने मिलता है, और एक मेलोडियस म्यूजिक देखने मिलती है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो अनंत राग सर हो या गोल्डन स्टार गणेश हो, टेरिफिक, जबरदस्त, एक नंबर। और बस मैं तो वेट करूं कि गली पट्टा 2 कब आए। तो बस फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग के नजर में कुछ ऐसी फिल्म है जो आप लोग चाहते हो कि इसका हम लोग यहाँ पर रिव्यू करें, बेसिकली रिव्यू नहीं है, यहाँ पर हम लोग अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करें, अब वो कोई भी इंडस्ट्री की हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, या हमारे सैंडलवुड हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, बस फिल्म अच्छी होना चाहिए और लोगों तक ज्यादा तक पहुंचना चाहिए। और बस इस चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो कुछ अच्छा करने के लिए, जैसे कि मतलब हम लोग फिल्में ही शेयर कर रहे हैं फिलहाल, तो अभी ऐसा कुछ एनजीओ खोले नहीं, मगर अगर जिंदगी में अगर कुछ मौका मिला कुछ अच्छा करने के लिए, अगर इस चैनल के थ्रू हम लोग कुछ अच्छा कर पाए तो इंशाल्लाह हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल तो अब ऐसा है कि आप सर्वाइव करने की बात है, फिलहाल तो अभी हमारा चैनल कुछ 5000 समथिंग सब्सक्राइबर, तो फिलहाल हम लोग इस चैनल को ग्रो करेंगे, आप लोग मिलकर, हम लोग सब मिलकर इस चैनल को ग्रो करेंगे। फिर आने वाले कल में अगर हो पाया, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन अगर हो पाया तो कुछ नेक काम भी करेंगे हम लोग, और शायद बोलते ना कुछ अगर हमारे चैनल के तो किसी का कुछ अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो में जरा भी कुछ अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मेरा नाम है राशि शेख और आप सब है मेरी एक फैमिली, यानी कि अरहान एंटरटेनमेंट में। तो टिल देन दुआ में याद रखना, मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में। और हाँ,
अगला वीडियो है हमारा सूर्यवंशी ऑफिशियल ट्रेलर का, जो कि एक बॉलीवुड मूवी है, जो कि बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी है जो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की जो फिलहाल जो दुपटी नैया है उसको बचा डालेगी किसी ना किसी तरीके से। तो बस हम लोग नेक्स्ट वीडियो सूर्यवंशी ट्रेलर की बात करेंगे, तो बेसिकली इंतजार करो उस ट्रेलर का, रिव्यू का। फिलहाल तो इस रिव्यू को देखो, एंजॉय करो। अगर आपको आज रात को गली पट्टा मूवी देखनी है तो आप उसे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से जाके जरूर देखना। तो टिल देन मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय।